हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाने चलते हैं एक नई डिश जो कि बहुत इजी तरीके से बन जाती है। उसका नाम है सूजी का हलवा। आप सबको ही बहुत पसंद आएगी ये डिश, बिकॉज इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है और आप ये कह सकते हैं कि घर में सिर्फ अवेलेबल होना चाहिए आपके पास चीनी, शुगर और साथ ही हमारा सूजी। तो हमने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने गरम कर लिया है घी तकरीबन 5 टेबल स्पून के लगभग, और उसके साथ अब मैं ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम सूजी, सूजी जिसे हम रवा भी बोलते हैं। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो हमें फ्राई करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जब भी हमें फ्राई करना है बहुत अच्छी तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने में हमें तकरीबन इसमें 3 से 4 मिनट देने होंगे, जो कि हम धीमे एकदम ही लो फ्लेम में इसे भूनेंगे और अच्छा टेक्सचर देके आएंगे गोल्डन ब्राउन टच में। तो देखिए, घी जैसे हमने गरम डाला तो इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये पहले वाइट थी तो अब थोड़ी सी हमें गोल्डन ब्राउन सा, ये कह लीजिए कि गोल्डन कलर का लेकर आ रही है। तो आई होप आप सबको ये वाला कलर बहुत पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हमें इसे और डीप फ्राई करना है और अब हम इसे 3-4 मिनट तक ऐसे ही स्टिर करते हुए अच्छी तरीके से इसे फ्राई करेंगे। जब हम इसे फ्राई करेंगे तो आपको लेटेस्ट इसका खुशबू जो है, जो इसका फ्लेवर है, वो फ्रेगनेंस निकल कर आएगा। उस फ्रेगनेंस को जब भी आप स्मेल करेंगे तो एक सौंधी सी अच्छी सी खुशबू आएगी। ये इसकी पहचान होगी कि हमारी जो सूजी है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर चुकी हूँ 2 मिनट तक, और अभी ये थोड़ा थोड़ा टेक्सचर अपना चेंज कर रही है। आई होप अब सबको ये टेक्सचर इजीली विजिबल होगा, अदरवाइज़ आप देखते रहिए, आपको ये 3-4 मिनट में और भी विजिबल होने लगेगा। देखिए, अब इसका टेक्सचर थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा ब्राउन और निकल कर आया है। अब आप इसे थोड़ी देर और देखिए तो इसका और टेक्सचर चेंज होकर आएगा। आपको मैं एक और बात बता देती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए जो आपको यूट्यूब चैनल से रिलेटेड चाहिए, तो यू कैन फॉलो मी। वहाँ पर आप DM करिए, हम ज़रूर बात करेंगे। और इंस्टेड अगर आप कोई कोलैबोरेटिव पेड प्रमोशंस करना चाहते हैं तो हम वो भी ओपन रख रहे हैं, तो आप उसके लिए भी वेलकम है, और वहाँ पर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे अनामिका तिवारी नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये मेरा टेक्सचर जो है चेंज हो रहा है सूजी का। अब ये काफ़ी हद तक गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, और अब हम इसे जैसे जैसे फ्राई करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती जा रही है, और साथ ही इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। अब ये एकदम अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, और अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी अलग प्लेट में या बर्तन में। देखिए, इसका टेक्सचर चेंज होता है एक एक लेयर में, तो आप इसे जल्दी जल्दी स्टिर करते रहिएगा ताकि ये लो फ्लेम पे भी जले ना। इसका कहीं कहीं ब्लैक दिख रहा होगा, तो थोड़ा थोड़ा लगने लगा था ज़मीन पे इसके बर्तन के टच पे, तो मैंने उसे निकाल लिया है और अब मैं इसे निकाल चुकी हूँ। देखिए, हमारा बर्तन थोड़ा सा है क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, दैट्स वाई इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आएगा, इसलिए मैंने ऑप्ट करा था। अब मैंने इसे 2 ग्लास वाटर ऐड कर दिया है, नॉर्मल वाटर जो कि आप यूज़ करते हो, फिल्टर्ड जो भी आप यूज़ करते हो। और मैंने 1 छोटा बाउल इसमें चीनी ऐड करी है, चीनी मीन्स शुगर, जो कि 100 ग्राम के लगभग चीनी होगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, बिकॉज फ्लेवर चाहिए आपको, जितना मीठा आप इसे खाना पसंद करेंगे उतना मीठा आप कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप चाहते हैं कि आप गुड़ में भी बनाना चाहें यानी जैगरी, तो आप जैगरी में भी डाल सकते हैं इसे और उसे पका सकते हैं। तो मैंने 3-4 इलायची ले ली है और उस इलायची के दाने को निकाल लिया। आप चाहे तो इलायची पाउडर को भी इस्तेमाल कर लीजिए, 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल दीजिए। मैंने 3-4 इलायची के दानों को इसमें पानी में बॉईल होने के लिए डाल दिया, बिकॉज आजकल जो इलायची आ रही है वो थोड़ी सी दबी हुई है, मतलब बहुत ही क्रंची सी नहीं आ रही है, तो वैसी इलायची थी। बहुत काफ़ी बॉईल हो रहा था, चाशनी बन चुकी थी, सूजी डाल दिया। सूजी डालने के बाद भुनी हुई जब सूजी डाली तो इस तरीके से उसने पानी को सोख लिया। जैसे ही आप सूजी डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्टिर करते रहिएगा, और इस टाइम पे आपको सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज इसमें से बबल्स निकल कर आ सकते हैं बाहर, तो आपको बहुत सेफ्टी की ज़रूरत होगी। और उसके बाद मैंने ठंडा होने के बाद इसे एक बाउल में निकाल कर सर्व कर दिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसमें मैंने काजू, बादाम और इसमें 3-4 मैंने मखाने के पीसेस भी ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी किशमिश भी ऐड कर दी है। आपको जो जो पसंद आए आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। झटपट कुछ भी बनाकर मीठा ट्राई कर सकते हैं, क्यों ना आज के डिनर में ही आप ये ट्राई कर लीजिए, बहुत टेस्टी और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपको खाकर। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी टैप करके आप वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं और बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।